अभी पिछले काफी दिनों से हम ऑर्गेनन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन बीच में आज ने हमने सोचा कि चलिए एक सेशन मटेरिया मेडिका का भी ले लेते हैं। तो हमारे एक मित्र ने पावर पॉइंट बना के भेज दिया है, तो हमें तो सिर्फ डिस्कशन ही करना है मिजेरियम। ठीक है, आप सबने सुना होगा इस दवाई का नाम सुना है, कब ज्यादा यूज होती है? यस, वेरी गुड। अभी अभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, और इसीलिए हमने अभी अभी मिजेरियम को लिया, क्योंकि बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ थूजा नहीं है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इवन आपके पास बोरिक मटेरिया मेडिका हो तो सारसा परिला खोलिए और उसका पहला पैरा पढ़िए। है, हमें तो क्या मालूम है, सारसा परिला इज वेरी नोन मेडिसिन फॉर रिनाल स्टोन और सेडिमेंट्स इन द यूरिन, मगर बोरिक ने पहले ही पैरा के अंदर, सारसा परिला के अंदर क्या लिखा है पढ़िए। उसी तरीके से मिजेरियम नॉन मेडिसिन फॉर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्वस कंडीशन स्पेशली आफ्टर वैक्सीनेशन। तो देखते हैं मिजेरियम, 1 फुट हॉट एंड 1 फुट कोल्ड। दूसरा, ये इंडिकेशन दूसरे किस कौन सी मेडिसिन में आता है? वेरी गुड, लाइकोपोडियम। क्या है सारसा परिला में क्या लिखा है? रीनल कॉलिक, मैरास्मस, पेरिओस्कियल पेन ड्यू टू एनुरिज्म, इरप्शन फॉलोइंग हॉट वेदर एंड यस, वैक्सीनेशन। वेरी गुड, इरप्शन फॉलोइंग वैक्सीनेशंस। सो वैक्सीनेशन के बाद अगर इरप्शन अपियर होते हैं तो वहां पे सारसा परिला मेडिसिन सोची जानी चाहिए। लेकिन हमको तो इतना ही मालूम होता है कि सारसा परिला सिर्फ रिनल स्टोन में ही यूज होता है, लेकिन नहीं, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में भी सोची जानी चाहिए। सो 1 फुट हॉट एंड 1 फुट कोल्ड, अनदर मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। न्यूरालजिक पेन कम्स एंड गो क्विकली, लीव द पार्ट नंब, अमिलोरेशन बाय हीट ऑफ द स्टव। कोई भी कंडीशन है वो हीट ऑफ स्टव से अगर अमिलोरेट होती है तो वहां पे भी मिजेरियम सोचा जाना चाहिए। तो एक रिंगवर्म के पेशेंट थे, बहुत सारी मेडिसिन उनके अंदर प्रयोग की जा चुकी थी, लाइकोपोडियम, सल्फर, कैल्केरिया, लेकिन पिक्यूलियर उनका यही मोडालिटी था कि अगर स्टव के पास बैठता हूँ ना तो मुझे खुजान कम होती है, और ये इंडिकेशन लेके हमने वहाँ पे मिजेरियम रिंगवर्म के केस के अंदर भी प्रिस्क्राइब किए थे। हेड और ऑन अल्सर इज कवर्ड विथ थिक लेदर लाइक क्रस्ट अंडर वाइट पस कलेक्ट्स, हेयर इज ग्लू एंड मेट टुगेदर। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हेयर थिन हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं? आफ्टर यस, कीमोथेरेपी। वेरी गुड, आफ्टर कीमोथेरापी। सो कीमोथेरापी के बाद इस तरीके के इंडिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। सो कीमोथेरापी मरीज ले रहे हैं और उनके हेयर एकदम ग्लूइश हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, स्किन के ऊपर उनको अल्सर पैदा हो गए हैं, या तो लेदर लाइक थिक क्रस्ट है, तो मेडिसिन कैन बी मिजेरियम। मालूम चल रहा है, हर जगह वही 25-30 मेडिसिन ही नहीं आने वाली है, अब अलग अलग कंडीशन में हमें होम्योपैथी को सोचना है। हमारे पास मरीज आएंगे कि डॉक्टर साहब कीमोथेरापी चालू है, रेडियोथेरापी चालू है, लेकिन अब ऐसी तकलीफ है तो होम्योपैथी में कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। बर्निंग इन इंटरनल पार्ट विथ चिलीनेस इन द एक्सटर्नल पार्ट। सो यहाँ पे आप चिली इंडिकेशन ले सकते हैं मिजेरियम के अंदर, लेकिन फिर भी इंटरनल बर्निंग है। विच मेडिसिन्स आर ट्रायोज ऑफ बर्निंग? सल्फर, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फरस। वेरी गुड, और अब देखा जाए तो मिजेरियम। मालूम चला, बर्निंग के हेड के अंदर ये मेडिसिन लिखी जानी चाहिए। टंग कोटेड अलोंग वन साइडेड ओनली, मिडल ऑफ द टंग इज फिसर्ड। अब इसी इंडिकेशन के ऊपर मिजेरियम बहुत बार प्रिस्क्राइब किया जा चुका है, स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ हर्पीस, हर्पीस जोस्टर और हर्पीस सिंप्लेक्स के केसेस होते हैं, उनके अंदर बहुत इंटरनल बर्निंग देखा जाता है, और टंग अगर मिडल में क्रैक्ड है तो इन 2-3 इंडिकेशन के ऊपर मिजेरियम मेडिसिन वहां पे भी सोचा जा सकता है। वेसिकल्स अराउंड अल्सर विच इच वायोलेंटली, वायोलेंटली इच इन द क्रैक्स,
अब क्रैक्स हैं और उसके अंदर वायोलेंट इचिंग आती है तो नेट्रम्यूर सोचा जाना चाहिए, ब्लिस्टर और अल्सर हैं और वायोलेंट इचिंग आती है तो मीजेरियम सोचा जाना चाहिए। पैरालिसिस ऑफ फिंगर्स, कैन नॉट होल्ड एनीथिंग, क्या कहा जाता है उसे, कुछ पकड़ नहीं पाता हूँ या तो हाथ में से छूट जाता है। यस वेरी गुड, ऑकवर्डनेस। अगर मरीज ऐसा ही चीफ कंप्लेन लेके आता है, ऑकवर्डनेस है, बर्निंग होता है और टंग क्रैक्ड है, मेडिसिन कैन बी मीजेरियम। आलोक जल्ला, इसी तरीके से होम्योपैथी सोची जानी चाहिए, तब जाके आप उसी 25-30 जो हमारी पॉलीक्रेस दवाइयां हैं उनमें से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हर केस में वही दवाई आएगी और हर केस में रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। डेफनेस आफ्टर सप्रेशन ऑफ इरप्शन, डेफनेस नहीं, इरप्शन सप्रेस करने के बाद कोई भी दिक्कत शुरू होती है तो मेडिसिन कैन बी सल्फर। सल्फर ही आता है ना स्किन इरप्शन सप्रेस, मतलब सल्फर ही दे देने का। इवन स्किन इरप्शन सप्रेस करके आया है तो एक डोज सल्फर दो और उसके बाद में दवाई दो, ऐसा करते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। इट इज वन इंडिकेशन ओनली। स्किन इरप्शन सप्रेस हुआ है तो सल्फर भी आ सकता है, स्टेफिसेग्रिया भी आ सकता है, लाइकोपोडियम भी आ सकता है, लाइकोपोडियम भी आ सकता है, जिंकम मेट भी आ सकता है और मीजेरियम भी आ सकता है। लेकिन उसके साथ दूसरे कौन कौन से इंडिकेशन मिलते हैं वो देखना है। अगर स्किन इरप्शन सप्रेस्ड हुए और उसके साथ न्यूरालजिक पेन शुरू हो गया, क्रैक्ड टंग है, तो मेडिसिन कैन बी मीजेरियम। मालूम चल रहा है, अगर स्किन इरप्शन सप्रेस करने के बाद पार्किंसोनिज्म शुरू हो गया, यूरिन के अंदर कैल्शियम ऑक्सेलेट के स्टोन आ रहे हैं और चिली पेशेंट है, तो मेडिसिन कैन बी जिंकम मेट। कॉकिंग्स पेनफुल आफ्टर फॉल, कोई भी इंजरी हुई हो, फॉल मतलब गिर जाना, कहीं पे भी गिर गए हो और बोन पेन होता हो तो मेडिसिन कैन बी मीजेरियम। दूसरा मेडिसिन कौन सा है? वेरी गुड, सिम्फाइटम। और अगर फिंगर टिप्स दर आ जाती है डोर के बीच में तो कौन सा मेडिसिन आएगा? यस वेरी गुड, हाइपेरिकम, पेन एट नर्व एंडिंग्स। तो उसी तरीके से कहीं पे भी अगर नर्व एंडिंग्स में पेन होता है तो हाइपेरिकम के साथ दूसरा मेडिसिन मीजेरियम सोचा जाना चाहिए। और इसीलिए पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया और ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, किसी भी तरह की नर्व्स पेन के अंदर मीजेरियम सोचा जाना चाहिए। इरप्शन ऊज एक्रीड ग्लूई मॉइस्चर फ्रॉम थिक क्रस्ट विथ पस, कोई भी डिस्चार्ज कैसा होगा? ग्लूई मॉइस्चर, थिक क्रस्ट लाइक, कोराइजा होगा तो ग्लूई, स्पुटम होगा तो ग्लूई, फॉर्म्स अ क्रस्ट। इरप्शन में से डिस्चार्ज होगा तो थिक ग्लूई, फॉर्म्स अ क्रस्ट। ल्यूकोरिया होगा तो थिक ग्लूई, स्ट्रिंजी। दूसरा कौन सा मेडिसिन है स्ट्रिंजी ल्यूकोरिया में? काली बाइक्रोमिकम। मालूम चला, थिक विस्किड डिस्चार्ज। तो इसी तरीके से कोई भी डिस्चार्ज एक्रीड है, ग्लूई है और थिक क्रस्ट लाइक पस है तो मेडिसिन कैन बी मीजेरियम, वहां पे मीजेरियम सोचा जाना चाहिए। अभी वैक्सीनेशन के बाद वहां पे इरप्शन हो गए और वहां से डिस्चार्ज ग्लूई थिक क्रस्ट लाइक निकल रहा है तो मेडिसिन कैन बी मीजेरियम। मालूम चला, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फीवर आ जाए, बुखार आ जाए वैक्सीन के बाद में, वही बैड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद न्यूरालजिक पेन शुरू हुआ, मेडिसिन कैन बी मीजेरियम। गैस्ट्रिक पेन, बर्निंग, एमेलोरेशन बाय मिल्क एंड ईटिंग, सो एसिडिटी के अंदर भी आप मीजेरियम सोच सकते हैं। हर बार अगर एसिडिटी होता है, बर्निंग होता है तो आर्सेनिक, फॉस्फरस, सल्फर नहीं सोचना है। पेनलेस स्वेलिंग ऑफ पेनिस एंड स्क्रटम, गोनोरिया विथ हिमेचूरिया, क्रॉनिक ल्यूकोरिया लाइक वाइट ऑफ एन एग, मेंसिस प्रोफ्यूज विथ ल्यूकोरिया, एग जैसा वाइट ल्यूकोरिया मतलब थिक, मालूम चला, ग्लूई, स्ट्रिंजी, कोई भी डिस्चार्ज ऐसा ही होगा। क्लियर?
वन साइडेड ऑफ सिम्टम, पैरालिसिस मिलता है वन साइड का, या तो कोई इंजेक्शन के बाद या ऐसी कोई इंजरी के बाद अगर पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट और सिंगल मसल मसल्स मिलता है तो मेडिसिन कैन बी मिजेरियम। सडन न्यूरालजिक पेन अफेक्टेड पार्ट नंब और कोल्ड, आपको मिलता है साइटिका है लेकिन पैर ठंडा पड़ जाता है, जूठा पड़ जाता है, तो मेडिसिन कैन बी मिजेरियम। दूसरे दो तीन इंडिकेशन मिलने चाहिए। इनटॉलरेंस इचिंग विच इज चेंज पोजिशन ऑन स्क्रैचिंग, थिक लेदर लाइक क्रस्ट इन द हेड, क्लियर। इनमें से कोई भी दो तीन चार पांच इंडिकेशन मिले तो वहां पे मिजेरियम सोचा जाना चाहिए, चाहे रिंगवर्म का केस हो, हर्पिस जोस्टर का केस हो, चाहे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया हो, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया हो, चाहे इंजरी हो, साइटिका हो, या एनीथिंग एल्स, कुछ भी कंप्लेंट हो, इनमें से अगर तीन चार पांच इंडिकेशन मिले तो वहां पे मिजेरियम जरूर सोचिए, क्लियर। वन लेग हॉट वन लेग कोल्ड, इंटरनल बर्निंग विथ एक्सटर्नल चिलीनेस, न्यूरालजिक कंप्लेंट, थिक डिस्चार्ज, वन साइडेडनेस ऑफ कंप्लेंट, सडन मैनिफेस्टेशन, हमें मिजेरियम में इतना ही मालूम रहता है, क्लियर। कॉजेशन एंगर, अब गुस्से के बाद कोई भी दिक्कत शुरू हुई तो हर बार स्टेफिस एग्रिया दे देने का नहीं ना, टोटालिटी बनाने का। हमारे पास एक मरीज थे, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया था उनको, सो एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, इतना गुस्सा, लेकिन बेटे को शादी किया उसके बाद बहू को कुछ बोल नहीं सकते थे, पहले अपनी बेटियां थी तो उनके ऊपर तो ऐसे ही फेंक देते थे सब कुछ, इतना गुस्सा था। उसके बाद ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया डेवलप हुआ, स्ट्रॉन्ग मिल्क के साथ रिलेशन मिला, चिली मरीज मिले, सो हमने उनको स्टेफिस एग्रिया प्रिस्क्राइब किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आज तक उनको अच्छा है, वो पेन का एपिसोड वापस नहीं आया, हमारे जीवन का पहले केस इसमें से ही है। सो आफ्टर एंगर अगर ऐसा कोई दिक्कत शुरू होता है तो वहाँ पे स्टेफिस एग्रिया के साथ साथ मिजेरियम भी सोचा जाना चाहिए। एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन, यहाँ पे वैक्सीनेशन का मतलब क्या लेना है, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी इंजरी, मालूम चल रहा है, यहाँ पे वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं है, कोई भी इंजेक्शन लिया, कोई भी इंजरी हुई, इवन पंक्चर इंजरी हुई और उसके बाद दिक्कतें शुरू हुई तो मिजेरियम सोचा जाना चाहिए। अगर कोई आपने इंजेक्टेबल मेडिसिन की किसी ने दिया और उसके बाद वहाँ पे रिएक्शन आ गए तो उसको बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन देख के ही ट्रीट किया जाना चाहिए। समझ आ रहा है, इसमें लिखा नहीं है बैड इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन, लेकिन हमें वही सोचना है। बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, दारू के बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू होती हैं, हैंगआउट क्या बोलते हैं उसको, हैंगओवर, तो उन सब के अंदर भी मिजेरियम सोचा जाना चाहिए। डिजायर फॉर फैट, कॉफी, वाइन एंड डिसएग्री टू बियर, इनमें से भी कोई इंडिकेशन मिले तो मिजेरियम सोचिए, क्लियर हो रहा है। मोडालिटीज, एग्रावेशन फ्रॉम वार्मथ ऑफ बेड, मोशन, टच एंड डैम्पनेस, एमिलोरेशन फ्रॉम ओपन एयर। अब आपके पास अस्थमा का मरीज आता है, डॉक्टर साहब देखिए ये वैक्सीनेशन के बाद मेरे को अस्थमा डेवलप हुआ है और जब जब बारिश ज़्यादा होती है तो अस्थमा बढ़ जाता है और खुली हवा में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेडिसिन कैन बी मिजेरियम। सो जरूरी नहीं है कि हर बार स्किन की कंडीशन ही मिलनी चाहिए, वो अस्थमा हो तो भी इंडिकेशन वही मिलने चाहिए, क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से माउथ अल्सर का मरीज आया कि माउथ अल्सर है, बहुत बर्निंग हो रहा है और ऐसे खुली हवा में जाके करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मेडिसिन कैन बी मिजेरियम, मालूम चल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत सालों पहले गिर गया था और तब से मेरे को कमर में दर्द हो रहा है, वहाँ पे भी मेडिसिन कैन बी मिजेरियम। सो अलग अलग एस्पेक्ट से हमें मिजेरियम सोचना है, तब जाके अब हम वो कंटिन्यू रूटीन 40-50 जो पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है उसमें से बाहर निकल पाएंगे। हमारा भी बहुत कुछ अनुभव नहीं रहा है, कुछ 5-7-10-15 केसेस के अंदर मिजेरियम प्रिस्क्राइब किए होंगे, क्लियर। किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ आया हो ऐसा। अब आप सबका फेवरेट माइंड, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, लुक्स थ्रू विंडोज फॉर हावर्स विदाउट बीइंग कॉन्शियस, अब दूसरी कौन सी मेडिसिन में इंडिफरेंस आता है, सेपिया,
वेरी गुड। इंडिफरेंट मतलब कुछ भी हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चलता है, होने दो, हमें क्या अपने को क्या, ऐसा ही होता है। इस तरीके वो अपनी कंप्लेन की तरफ भी इंडिफरेंस होते हैं, अपने फैमिली की तरफ भी अगर इंडिफरेंस हैं तो वहाँ पे सेपिया के साथ साथ मिजेरियम भी सोचा जाना चाहिए। बहुत घंटों तक ऐसे ही इंडो के बगल में खड़े रह के बाहर देखते रहते हैं, कुछ मालूम नहीं होता है कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है ना, तो वैसी कंडीशन में भी मिजेरियम सोचा जाना चाहिए उनको, जो भी हुआ हो। डिप्रेशन की कंडीशन है जहाँ पे मरीज को कुछ करने का मन नहीं करता है, देर घंटों तक खिड़की के बाहर देखता रहता है, और दूसरे दो तीन इंडिकेशन मिले, टंग देखा तो क्रैक्ड है मिडल में, मिजेरियम कैन बी मेडिसिन इन द केसेस ऑफ द डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिया और लवेरिया एनीथिंग। एप्रीहेंसिव एट पिट ऑफ स्टमक व्हेन एक्सपेक्टिंग सम वेरी अनप्लेजेंट, कुछ गलत होने वाला हो ऐसा लगता है तो उसको एंजाइटी पिट ऑफ स्टमक के ऊपर फील होती है, पेट में फाड़ पड़ी आपने नहीं कहता लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मिजेरियम सोचिए, नहीं मिलता है तो इट्स ओके, हर केस में मिलना जरूरी नहीं है। मेलेनकोलिक एवर्जन टू टॉक, इट सीम्स टू हिम टू बी वेरी हार्ड टू अटर अ वर्ड, उससे एक शब्द भी बुला देना बहुत तकलीफ देह होता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं उससे एक शब्द भी बुलवाने में, इतना वो अपनी ही दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, खिड़की में से देखते रहो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आप मिजेरियम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रिलीजियस एंड फाइनेंशियल मेलेनकोलिक, रिलीजियस और फाइनेंशियल बहुत साथ में होता है। इजीली कंफ्यूज्ड एंड वैनिश्ड थॉट, क्वालसम झगड़ाड़ू, बार बार बहुत छोटी छोटी बातों पे घर किसी से झगड़ा होने लगता है, और न्यूरालजिक पेन है और माउथ अल्सर है और समथिंग हर्पीस जोस्टर है और रिंगवर्म है और इवन कार्सिनोमा ही क्यों नहीं है, अगर वहाँ पे बर्निंग है, 1 फुट हॉट मिलता है 1 फुट कोल्ड मिलता है, और झगड़ाड़ू मरीज है और उसको स्किन कैंसर है, बहुत अल्सर है और अल्सर में से डिस्चार्ज थिक ग्लूइस निकल रहा है, तो मेडिसिन कैन बी मिजेरियम इन दैट केस ऑल्सो। मालूम चल रहा है हमें उस पैथोलॉजी का नाम क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, इनमें से अगर कोई भी 3-4-5 इंडिकेशन मिले तो मिजेरियम सोचा जाना चाहिए। क्लियर। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद।